इस वीडियो के खत्म होने तक दुनिया में अराउंड 60 लाख सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स खरीदे जा चुके होंगे, विच मींस ऑलमोस्ट इतना ही प्लास्टिक वेस्ट एनवायरमेंट में ऐड हो जाएगा। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि इन वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स से टी शर्ट्स, बॉटम्स, कर्टेन्स और इवन शूज तक बनाया जा सकता है। वेल, सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, पर गुजरात के पुनीत सिंघल जी ने ये काम पॉसिबल किया है। पर ये वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स कपड़े में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, और क्या हम भी अपनी वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स को इन्हें सेंड कर सकते हैं? हमने देखा कि स्पोर्ट्स के जो कॉस्ट्यूम होते हैं उसमें रॉ कॉटन के साथ आर्टिफिशियल फाइबर मिक्स की जाती है, ताकि वो आर्टिफिशियल फाइबर से स्पोर्ट्समैन के बॉडी पे वो कॉस्ट्यूम चिपकता नहीं है पसीने की वजह से। और ये आर्टिफिशियल फाइबर का रॉ मटेरियल और प्लास्टिक की बॉटल का रॉ मटेरियल एक ही होता है, तो पुनीत जी को इससे एक आइडिया आया। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो वेस्ट प्लास्टिक वाटर बोतल होती है उन्हीं को रिसाइकिल करके फाइबर बनाया जाए, जिससे दो फायदे होंगे। पहला तो कि सिस्टम में प्लास्टिक कम इंट्रोड्यूस होगा, दूसरा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल कर पाएंगे। और ऐसा करने से कभी रॉ मटेरियल की भी कमी नहीं होगी, क्योंकि हम सबको ही पता है कि ज्यादातर लिक्विड चीजें इन प्लास्टिक बॉटल्स में ही आती हैं। पहले पानी की बोतल की पैकेजिंग के लिए कांच की बोतल यूज की जाती थी, लेकिन अपने देखें तो जो प्लास्टिक की बोतल होती है वो लाइट वेट होती है, ट्रांसपोर्ट बहुत इजी रहता है और पानी का लीकेज भी नहीं होता। इन्हीं सब प्रॉपर्टी की वजह से आज दुनिया भर में पानी की बोतल पैकेजिंग के लिए यूज की जा रही है। आज उसका कोई अल्टरनेटिव भी अवेलेबल नहीं है। पानी की बोतल का रॉ मटेरियल और जो आर्टिफिशियल फाइबर का रॉ मटेरियल सेम होता है, इसी पानी की बोतल को रिसाइकिल करके फाइबर बनाया जा सकता है, जो डिफरेंट क्लॉथिंग एप्लीकेशन एंड वेरियस अदर एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। और ऐसे स्टार्ट हुई जेबी इकोटेक्स की जर्नी। तो अब समझते हैं कि वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स को वापस फाइबर बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है। जो भी अपने पानी की बोतल को यूज करके फेंकते हैं वो इस कंडीशन में रोड पे मिलती है। इनको हमारे स्वच्छता हीरोज जो भी वेस्ट कलेक्ट करते हैं वो कलेक्ट करके एक लोकल कबाड़ी वाले को देते हैं। वो लोकल कबाड़ी वाला ये सब सॉर्टिंग करके इसकी अच्छे से बेल बनाता है, ताकि वो हमारे जैसे रिसाइकलिंग सेंटर पे ट्रांसपोर्ट किया जा सके। हम लोग ये जो हमारे पास बेल आती है उसको वॉशलाइन सेक्शन में फीड करते हैं। वॉशलाइन सेक्शन बेसिकली इस बोतल को वॉशिंग एंड क्लीनिंग करके फ्लेक्स बनाता है। एज ए फर्स्ट स्टेप इन बोतल की प्री वॉशिंग होती है, ताकि स्लाइटली इम्प्योरिटीज वगैरह डस्ट वगैरह निकल जाती है। एंड आफ्टर प्री वॉशिंग हम लोग इसका मैनुअली कलर बोटल्स हो गई, अदर पॉलीमर्स बोटल हो गई, वो सारी सॉर्टिंग होती है विद द हेल्प ऑफ मैनुअल। एंड एज ए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास लेबल स्क्रैपर होता है वॉश लाइन में, जो ये जो लेबल होता है लेबल को वॉश लाइन लेबल स्क्रैपर ऑटोमेटिकली फाड़ देता है। लेबल के अलग होने के बाद हमको बोतल इस फॉर्म में मिलती है। हम इसी बोतल को एज ए लास्ट स्टेप ऑफ सॉर्टिंग एक ऑटो सॉर्टर में डालते हैं। वो ऑटो सॉर्टर सारा अदर इम्प्योरिटी उनको निकाल देता है। उसके बाद इस बोतल का क्रशिंग होता है, क्रशिंग होने के बाद वॉशिंग होता है, वॉशिंग होने के बाद एकदम ड्राइंग होता है। ड्राइंग होते ही हमको ये बोतल इस फ्लेक्स के फॉर्म में मिलती है। फ्लेक्स बनने के बाद हम इस फ्लेक्स को मेल्ट करते हैं और मेल्ट करके फाइबर बनाते हैं। ये फाइबर आप देख सकते हैं रुई की फॉर्म में है। प्योर रुई जो अपने रॉ कॉटन होती है उसी फॉर्म में सेम ऐसी फाइबर बनती है। फ्लेक्स, फ्लेक्स से फाइबर। इन फाइबर्स के बन जाने के बाद इसको स्पन यार्न यानी धागा बनाने वाली या नॉन वूवन फैब्रिक बनाने वाली इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है। और फिर एक बार धागा बन जाने के बाद इससे क्लोथ्स, कर्टेन्स, शूज जैसी कई चीजें बनाई जा सकती है। Isn't that amazing? JB Ecotech में हर दिन 1.2 करोड़ used plastic bottles को upcycle किया जाता है, हर दिन, and that is a huge number. As a JB Ecotech की बात करूँ तो हम लोग as on date पानी की bottle, cold drink bottle या जो भी beverages bottle होती है उनको recycle करते हैं, but we are focused for recycling of all type of different type of plastic like shampoo bottle or multi-layer plastic or film plastic, and we are working on the same, and maybe in near future we will come out with a different set of recycling in which we can recycle other plastic also. Waste plastic bottles aaj duniya ki one of the biggest problem mein se ek hai. Aur is video ko banane ka ye matlab bilkul bhi nahi hai ki hum ab jitni chahe utni plastic bottles use aur waste kar sakte hain. हमेशा अपने साथ वाटर बॉटल को कैरी करें,
पर फिर भी कभी इमरजेंसी में अगर आपको वाटर बॉटल खरीदनी पड़ती है तो इस वाटर बॉटल को फेंके नहीं बल्कि कलेक्ट करके जेबी इकोटेक्स को इस एड्रेस पे भेज दें। प्रॉब्लम तभी सॉल्व होती है जब हम उसे इग्नोर करना बंद कर देते हैं, और ऐसा ही किया पुनीत जी ने, जिन्होंने प्लास्टिक से हो रहे हार्म्स को तो समझा ही बल्कि उसका सॉल्यूशन भी निकाला। तो अगर आपको पुनीत जी से कॉन्टेक्ट करना है तो आप उन्हें इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि पुनीत जी का ये इनिशिएटिव हमें काफी यूनिक लगा, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम उनकी स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। तो अगर आपको भी पुनीत जी की स्टोरी ने इंस्पायर किया है तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जेबी इकोटेक्स के बारे में बताइएगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे उतने ही ज्यादा लोगों को वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स को अपसाइकिल करने का एक नया तरीका मिलेगा। That's it for this video with another new startup story. See you next Wednesday. ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हों। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।